तो भैया आजकल एगो चीज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो का है? पेरिस्कोपिक लेंस। ये पेरिस्कोपिक लेंस का होता है, का बेनिफिट है? आजकल जो फोनवा बन रहा है, इसमें जो है लेंस में इसको उपयोग करके जो है 100 गुना तक जूम किया जा सकता है। मतलब फोनवा में आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का पिक्चर, बहुत दूर का पिक्चर आप ले सकते हो इसके माध्यम से। लेकिन कैसे काम करता है ये, का होता है ये, थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत है, जो हम ये चीज़ समझावेंगे अभी यहाँ पर आपको। अभी जो पेरिस्कोपिक लेंस होता है, इसमें का होता है कि इसके किसी ट्यूब के दोनों किनारे पर 45 डिग्री पर जो है ना एक कांच लगा दिया जाता है, समझे? और इस तकनीक का जब आप इस्तेमाल करते हो तो फोन का जो सेंसर होता है उस पर ज़्यादा लाइट आता है, समझे? अब इसका जो है बेनिफिट क्या होगा कि ज़्यादा लाइट आवेगा फोन सेंसर पर, तो आपका जो फोटो की क्वालिटी है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है, समझे? बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा क्या है वो भी समझ लीजिए। दूसरा फ़ायदा ये है कि DSLR में जो है आप जो है वहाँ पर कैमरा को जो है अंदर बाहर कर सकते हो, समझे? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है कैमरा पर पड़े। लेकिन फ़ोन में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जो DSLR कैमरा होता है उसमें तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन फ़ोन में तो करोगे नहीं। तो फ़ोन में जब नहीं करोगे तो वहाँ पर जो है पेरिस्कोपिक लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब फ़ोन में उसके लेंस का मोटाई बढ़ाए बिना जो है जब आप पेरिस्कोपिक लेंस का इस्तेमाल करते हो तो 100 गुना तक जो है आप जूम कर सकते हो अपने फोटो वीडियो को। और आजकल जो है स्मार्टफोन आ रहे हैं, सैमसंग, वीवो और आपका IQ, उसमें जो है आपको इस तरह का लेंस का इस्तेमाल करके जो है ना आपको वहाँ 100 गुना तक जूम करने का फैसिलिटी दिया जा रहा है। इसीलिए लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आ रहा है। अब सवाल उठता है कि भाई ये पेरिस्कोपिक शब्द कहाँ से आया? तो इस शब्द जो है पेरिस्कोप आया है पनडुब्बियों के इस्तेमाल से, समझे? पनडुब्बियों के इस्तेमाल करते समय इस शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें प्रकाश की किरणों को जो है 90 डिग्री पर जो है मोड़ा जाता है, समझे? और दोनों सिरों पर 45 डिग्री पर जो है ना आपको कांच लगाया जाता है, जिससे कि प्रकाश को, जो प्रकाश का किरण होता है उसको 90 डिग्री मोड़ने में मदद मिलता है। और आपको हम यहू बता दें कि ओप्पो जो है पहली कंपनी है जिसने अपने स्मार्टफोन में पेरिस्कोपिक लेंस का इस्तेमाल किया था। और उनका जो 2017 में जो है ना एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो है ना अधिवेशन वो हुआ था, तो वहाँ पर 5x जूम टेक्नोलॉजी के बारे में जो है चर्चा भी की गई थी। तो समझ में आया कि पेरिस्कोपिक लेंस का होता है और कैसे काम करता है? कोनो क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, जय हिंद।